छोटा सा पत्थर आप मेरे हाथ में जो देख रही हो, ये आपके चेहरे पे क्या कमाल का काम कर सकता है, शायद आपको नहीं पता होगा। देखिए, उम्र का बढ़ना कोई नहीं रोक सकता। उम्र बढ़ती है, स्किन लूज होती है, आपके चेहरे पे रिंकल्स भी आते हैं, चेहरे की स्किन लटक जाती है, चेहरे पे दाग धब्बे भी बन जाते हैं। लेकिन अगर उसकी हम सही तरीके से केयर करें चेहरे की, अपने फेस की, तो जो उम्र हमारी बढ़ रही है उसके वजह से हमारे चेहरे की जो परेशानियां चेहरे पे आ रही हैं वो थोड़ी डिले हो जाएंगी, थोड़ी देर में आएंगी। तो स्किन की अगर आप अच्छे से करोगे तो वो स्किन पे आप जल्दी बूढ़े नहीं होंगे, आप जल्दी आपके चेहरे पर एंटी एजिंग के साइन दिखाई नहीं देंगे, आपके फेस पर रिंकल्स नहीं दिखाई देंगे। समझना उस रेमेडी को आप, मैं कैसे बता रही हूँ, कैसे आप उसको हमें प्रिपेयर करना है, कैसे लगाना है, मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। स्किप मत करना वीडियो को, आप अच्छे से समझोगे, अच्छे से उसको करोगे तभी वो आपको अच्छे रिजल्ट दे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिटकरी, उसको अच्छे से हमें कूट लेना है। फिटकरी हमारे चेहरे पे एक्ने की परेशानी है उसको ठीक कर सकती है। आपके चेहरे पे जितनी भी स्किन लटक चुकी है, दाग धब्बे आ चुके हैं, पिगमेंटेशन हो रही है चेहरे पे, तो उसको दूर करके आपके चेहरे पे एक गजब का निखार ला सकती है। इसको अच्छे से हमें कूट के पीस लेना है, और पीसने के बाद छलनी में इसको आपको छानना है। देखिए, छलनी में आप इसको जरूर छाना, अगर नहीं छानोगे तो उसमें जो छोटे छोटे कण रह जाएंगे, उसमें जो छोटे छोटे दाने रह जाएंगे, वो आपकी स्किन पे जब आप उसको फेस पैक में किसी भी चीज में मिला के लगाओगे तो आपको लग सकते हैं, फिर आप उसके इससे स्किन आपकी रैशेज आ सकते हैं। तो अच्छे से इसको छान के एक एयर टाइट डब्बे में आपको उसको भर के रख लेना है। अब हम अपना बनाएंगे टोनर, ठीक है ना। तो आपको एक गैस पे पैन लेना है, पैन में आपको आधा गिलास आपको पानी लेना है, टैप वाटर नहीं लेना है, हमें फिल्टर वाला पानी ही चाहिए, जैसे आप पीते हो वही पानी लेना है। तो आधा गिलास आपको पानी लेने के बाद इसको अपने पैन में डाल देना है, और एक चम्मच के लगभग, जैसे मैं वीडियो में बता रही हूँ, आपको एक चम्मच के लगभग फिटकरी लेनी है, फिटकरी पाउडर उसमें डाल दो, और 5 से 6 तुलसी के पत्ते आपको इसको लेने हैं। देखिए, तुलसी के पत्ते आप नहीं जानते हमारे चेहरे पे, हम ये पत्ते सिर्फ खांसी जुखाम में ही काम नहीं करते हैं, ये चाय बनाने के लिए ही काम नहीं करते, हमारे फेस पे लगा लेते हो कहीं भी, अगर फुंसी है, दाग धब्बे हो गए हैं, आपको पिंपल हो गए हैं, तो भी आप देखोगे कि कितना अच्छा वर्क करती है ये आपके फेस पे। तो तुलसी के 5 से 6 पत्ते लेकर आपको उसको अच्छे से धो के इन्हें अच्छे से हमें डालना है पैन में। मुश्किल से 5 मिनट में ये बॉईल हो जाएगा सिम गैस में, इसको होने जब तक आपका तो आधा गिलास पानी से थोड़ा कम रह जाए बस, फिर आपको गैस, यहाँ पे आपको गैस बंद कर देनी है। यह छलनी से इसको छान लेना है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कोकोनट ऑयल। अगर आपके पास कोकोनट ऑयल नहीं है तो आप विटामिन ई के कैप्सूल इसमें डाल सकते हैं। हमें कोकोनट ऑयल इसलिए हम इसमें डाल रहे हैं क्योंकि फिटकरी क्या होती है, आपके चेहरे पे थोड़ा सा आपके फेस को ड्राई कर सकती है, तो उससे ये बैलेंस बन जाएगा। तो इसलिए हम इसको किसी स्प्रे बॉटल में इसको भर के रखना है, भर लो और इसे अच्छे से शेक करना है। इससे क्या होगा, जो पानी है और जो ऑयल है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब मिक्स होने के बाद इसको रख देना है। अब हम चलते हैं अपने स्टेप की तरफ। तो आपको ही कटोरी कांच की आप ले लो, उसमें आपको है आधी 1 चम्मच के लगभग फिटकरी, ठीक है जी, 1 चम्मच आपको फिटकरी पाउडर लेना है, मैं वीडियो में बता रही हूँ, देख लो आप वही। तो आपको 1 चम्मच फिटकरी लेनी है, और यहाँ मैं ले रही हूँ कस्तूरी हल्दी, आधी चम्मच आपको कस्तूरी हल्दी लेनी है। अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी नहीं है तो आप पिंच ऑफ जो हम खाने वाली हल्दी होती है वो ले सकते हो। अगर आपको हल्दी सूट नहीं करती है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर कस्तूरी हल्दी है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आधा चम्मच आपको यहाँ कस्तूरी हल्दी लेनी है, और 1 चम्मच भर के आपको लेना है यहाँ पे कॉफी पाउडर। जी हाँ, कॉफी पाउडर लेना है हमें। अब मैं ले रही हूँ शहद, 1 चम्मच आपको भर के लेना है शहद, उसको अच्छे से मिक्स करना है। अब इसको मिक्स करने के लिए हमें शहद लेने के बाद अब इसमें हमें डालना है गुलाब जल। अब अगर आपको गुलाब जल सूट नहीं करता है तो आप इसमें नींबू भी डाल सकते हैं, नींबू का रस 1 चम्मच भर के आप इसमें डाल सकते हैं। बहुत पतला सा आपको एक पेस्ट बनाना है। ये हमारा बन के एक पेस्ट तैयार हो चुका है रेमेडी। अब ये हमारे आराम से स्टोर करके हम इसका डेली यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसको हमें रोज रोज नहीं बनाना है, मैंने एक इसीलिए हमने ज्यादा क्वांटिटी में से बनाया है, तो ये 10 दिन आराम से चल जाएगा हमारा। अब इसका यूज कैसे करना है सही तरीके से आप देखना और समझना। चेहरे को अच्छे से फेस वॉश कर लेना है। कोई भी रेमेडी हमें लगानी है उससे पहले अपने गंदे फेस पे हमें नहीं लगानी है, अपने चेहरे को फेस पे इसको लगा लो, और लगाने के बाद आप इस 5 मिनट, मुश्किल से 10 मिनट के लिए आप इसका
लगा रहने दो, उसके बाद इसको नॉर्मल वाटर से ऐसे धोना है, रगड़ना नहीं है चेहरे को, ध्यान रखो चेहरा सिर्फ हमें धोना है, रगड़ना नहीं है, रगड़ोगे तो हो सकता है रैशेस हो जाए, इसलिए ध्यान रखना अपने फेस पे, ऐसे कस कस के हम इसको रगड़ना नहीं है, मसाज नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, अपने पूरे फेस पे इसको लगाना है और देन सिर्फ पानी से ऐसे ठंडे पानी से वॉश कर लेना है बस। करना है आपको, एक दिन छोड़कर आपको इसको यूज करना है, जैसे आज लगाया है तो कल छोड़ दिया फेस के बाद, परसों आपको इसका यूज करना है, ठीक है। अपने फेस पे अच्छे से स्प्रे कर लो, स्प्रे करने के बाद जैसे ही सूख जाए, अब अपने क्योंकि इसके बाद हमें हो सकता है चेहरे पे थोड़ा सा ड्राइनेस आ जाए, तो उसके लिए अब आपको अपना कोई भी मॉइस्चराइजर अपने फेस पे लगाना है अच्छे से, बस अब अपनी स्किन को एंजॉय करो। और जो मैंने टोनर आपको बताया है, आप इसका टोनर का यूज सुबह शाम दो टाइम इसका कर सकते हो, जब आप रात को अपना फेस वॉश करो तब आप इसको लगा सकते हो, उसके बाद सूख जाए फिर आप इसको कोई भी नाइट क्रीम कुछ भी आप इसका लगा सकते हो, और जब ये सुबह आप नहाकर आते हो तब भी इसका यूज कर सकते हो, कुछ हैरान रह जाओगे कि क्या मैंने बताया है। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट बताना वीडियो कैसी।